आज हम बनाने वाले हैं हल्की फुल्की ठंडी में गर्मा गर्म नाश्ता, आलू टिक्की, वो भी कॉर्नफ्लेक्स का। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, ये वेजिटेबल्स ऑयल है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, और इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। यहाँ 2 से 3 हरी मिर्च हमने काट लिया, इसे डाल देंगे हम। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, गैस को मीडियम में रखेंगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी हमने लिया है, इसे हाथ से क्रश करके डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ हमने 1/2 चम्मच नमक लिया, इसे हम डाल देंगे। यहाँ हमने उबले हुए आलू लिए, इसे हम डाल देंगे। डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़े से मूंगफली के दाने डाल देंगे इसमें हम। ऐसे अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा आलू अच्छे से मिक्स हो गया है, हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब चलेंगे इसी कोटिंग करने। ये देखिए, मैंने यहाँ कॉर्नफ्लेक्स लिया है, और यहाँ हमने जो आलू बनाया था आलू का मसाला लिया है। यहाँ हमने कॉर्नफ्लोर लिए हैं, इसमें पानी डाल के इसका गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। इसमें पानी डालेंगे, एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। ये देखिए, हमने घोल बना लिया है। हम कॉर्नफ्लेक्स को थोड़ा सा हाथ से क्रश कर देंगे। इसे हम हाथ से ऐसे क्रश कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसे हाथ से क्रश कर लिया है। अब चलेंगे आलू की टिक्की बनाने। यहाँ हमने आलू लिया है, ऐसा हम थोड़ा सा मसाला ले लेंगे इसका हाथ में। इसे हाथ से चपटा कर देंगे, ये आलू की टिक्की बना लेंगे। ऐसे ही हम थोड़ा और टिक्की बना के रख लेंगे। ये देखिए, हमने आलू की टिक्की बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, हमने आलू की टिक्की को एक ठो ले लिया है। इसके ये जो घोल बनाया था इसमें हम डाल देंगे, इसे डिप कर देंगे, इसे निकाल लेंगे। इसको ये जो हमने कॉर्नफ्लेक्स का बुरादा बनाया था इसमें हम डाल देंगे। डाल देंगे, इसकी हम डबल कोटिंग करेंगे। ऐसे हम सारे एक बार डबल कोटिंग करके रख लेंगे। ये देखिए, हमने एक बार इसे कोटिंग कर दिया है, इसकी हम डबल कोटिंग करेंगे सेम उसी प्रोसेस से। इसको हम एक बार फिर से घोल में डाल देंगे, इसे डिप कर देंगे, इसे निकाल लेंगे, फिर इसे कॉर्नफ्लेक्स में हम डिप करेंगे। इसका हम डबल कोटिंग कर रहे हैं, इससे टेस्ट और क्रिस्पी लगेगा। डबल कोटिंग से इसका जायका और भी बढ़ जाता है। ये देखिए, मैंने इसे निकाल दिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। ऐसे ही हम सबकी कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसकी डबल कोटिंग कर दी है। अब हम गैस को ऑन करेंगे, उसमें तेल को गर्म कर। ये देखिए, हमने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, हमारा तेल गर्म हो चुका है। ऐसे हम जो हमने टिक्की बनाया था उसे हम डाल देंगे।
गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे करेंगे। ये टिक्की खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगता है, आप इसे हल्की फुल्की ठंडी में या ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं, शाम के नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं। इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए कैसे बबल्स छोड़ रहे हैं, ये कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है बनके, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए हमारा टिक्की तल के तैयार हो गया है, अब से हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तेल को अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये देखने में कितना क्रिस्पी और टेस्टी लग रहा है। ये देखिए हमारा टिक्की तल के तैयार हो गया है, अब चलेंगे हम सर्व करने के प्रोसेस में।